विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने ईडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप समेत पूरा विपक्ष गठबंधन ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। आतिशी ने मीडिया के सामने 5 ऐसे मुद्दे उठाए जिनमें बीजेपी नेता आरोपों में संलिप्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आतिशी ने कहा कि ईडी से आपके 5 सवाल, जवाब दे ईडी जो रोज प्रेस रिलीज देते हैं। पहला, 16 दिन से पुख्ता सबूत दुनिया के सामने है कि साउथ लोबी से 55 करोड़ बीजेपी को गया है। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच की। दूसरा, पिछले 16 दिन में बीजेपी को कितने समन, कितने रेड हुए, कितने अरेस्ट हुए। तीसरा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, आप कन्वीनर होने के नाते बीजेपी नेशनल कन्वीनर जेपी नड्डा को शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ लेने के लिए कब गिरफ्तार करेंगे। चौथा, क्या ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मंगुता रेड्डी और राघव रेड्डी का क्या कोई पैसा, कोई मनी ट्रेल टीडीपी तक गया है। पांचवा, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से खुद शराब कारोबारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ईडी चुनाव खर्चे को इन्वेस्टिगेट करेगी। आप नेता के इन सवालों ने केंद्रीय एजेंसी ईडी को बुरी तरह से घेर लिया है। अब इस पर ईडी क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी।